हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, बात कर लेते हैं। सर जो है आपके बीजेपी की कैंडिडेट ने जो है जो मेयर के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है। सर लंबे समय से आपका ही मेयर है शहर में, अब उसके अलावा क्या कुछ विकास का काम इस बार किया जाएगा? लंबे समय से मेयर हैं और आगे भी हमारा ही मेयर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके प्रत्याशियों को सबकी सहमति से उतारने का काम किया है। जो टिकट मांग रहे थे उनकी भी सहमति बनाई गई और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ में सुषमा खरकवाल जी को प्रत्याशी बनाया, उत्तर प्रदेश में जितने भी 17 नगर निगम हैं उनमें प्रत्याशी मेयर के या नगर पालिका के चेयरपर्सन के या नगर पंचायत के चेयरपर्सन के जिनको भी प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया सोच समझ के उसका हम स्वागत करते हैं, हार्दिक बधाई भी देते हैं और सब जीत करके आएंगे बड़े पैमाने पर। और उत्तर प्रदेश में एक ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय की जरूर निश्चित तरीके से बने। लखनऊ नगर निगम का परिसीमन हुआ है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया, लगता है अब वहाँ पे और बेहतर विकास होगा, वहाँ के क्या कैसे रोड मैप तैयार किया जाएगा? उसका रोड मैप पहले से तैयार हो गया है, उन गांवों में क्या क्या डेवलपमेंट होना है, क्या विकास होना है, इसकी जिम्मेदारी नगर निकाय ने तय करने का काम किया है। और चुनाव के बाद जहाँ जहाँ पर जो भी ज़रूरत है उनको निश्चित तरीके से डेवलपमेंट के करा करके उनको एक विकसित क्षेत्र बनाने का काम हमारे मेयर साहब और सभासद और हमारी सरकार करने का काम करें। सर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी के जीत पर ब्रेक लगेगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि 403 में 400 से ज़्यादा सीटें हम बीजेपी की जीते हो सपा की जीत करके आएगी। नतीजा क्या निकला आप जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा खोखला है, बड़े भोलेपन की बातें करते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग सपा पार्टी के जो वोटर है डेवलपमेंट के काम पर, विकास के काम पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को कमल पर वोट देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ना केंद्र में सरकार बनने जा रही है ना लोकल बॉडी में उनकी सरकार बनने जा रही है। सर अतीक के मुद्दे की अगर बात करें, जिस तरीके से खुलेआम गोली मारी गई उसको, उसके भाई को, तो क्या लगता है अपराधियों ने एक यूपी पुलिस को और राज्य सरकार को एक चुनौती दी है खुली? देखिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये घटना की गई, ऐसा लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उनकी कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ चल रही थी उस पर उनको बदनाम करने की नीयत से ये घटना कारित की गई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया, तत्काल अर्जेंट बैठक बुलाई, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, उसमें चुनाव कमेटी आयोग कमेटी भी गठित कर दिया जांच कमेटी का, और उसमें जो लोग भी दोषी हैं, कौन से लोग जो हत्या किए हैं वो लोग तो गिरफ्तार हो ही गए, सरेंडर कर दिए, लेकिन इसके पीछे की साजिश जिस तरह उन्होंने सब एक पूरा आधे मिनट के पहले ही सब पूरी घटना कर दी। सर क्या लगता है कौन साजिश करता हो सकता है? नहीं नहीं ये तो जांच के बाद ही खुलेगा, लेकिन ये तो निश्चित तरीके से बात समझ में आती है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था को और मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए। इसीलिए जाँच आयोग की कमेटी गठित हुई है और वो जो जाँच आयोग है वो जांच करके रिपोर्ट देगा, तो जो लोग भी शामिल होंगे उनका खुलासा होगा, जो मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। इन अपराधियों के घर पे भी बुलडोजर चलाएगी यूपी सरकार? वो जांच के बाद ही सरकार निर्णय लेने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ सांसद कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के नाम पे उनका मेयर लंबे समय से जीता हुआ आ रहा है और इस बार भी मुद्दा विकास ही रहेगा और उनकी जीत इस बार फिर से निश्चित है। वीडियो चैनल मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।